अरे कद्दू बद्दू, अरे कद्दू बद्दू, जल्दी करो, उठो। अरे अरे क्या हो गया पापा, कभी तो हमें आराम से सोने दिया करो ना। अरे कद्दू बद्दू जल्दी करो, कहीं छुप जाओ। क्यों पापा, क्या हो गया? अरे कद्दू बेटा, जैसन हमारे घर आ रहा है एक बहुत ही बड़ा टैंकर लेकर। अरे क्या टैंकर? अरे जैसन वो देखो, कद्दू की बहन चिंकी जा रही है, जल्दी करो उसको उड़ा दो। अरे जैसन, आज कद्दू पद्दू नहीं बच सकते इस टैंकर से। हाँ मंटू, आज मैं कद्दू पद्दू को जान से मारने जा रहा हूँ। अरे कद्दू बेटा, हम ऐसा करते हैं, ये सीमेंट के पीछे छुप जाते हैं। हाँ पापा जल्दी करो, छुप जाओ। अरे पापा, ये इतना ज्यादा सीमेंट कहाँ से आया है? अरे अरे जल्दी कर नालायक, जल्दी कर छुप जाओ, जैसन आने वाला होगा। अरे पापा मुझे थोड़ा सा सीमेंट खाना है। क्यों बेटा, सीमेंट क्यों खाना है? अरे पापा मैंने सुना है सीमेंट बहुत ही ताकतवर होता है। हाँ बेटा, लेकिन क्यों? अरे पापा कल मैं डॉक्टर के पास गया था, वो बोल रहा था कि तुम्हारी हड्डियाँ बहुत ही कमजोर हो गई हैं, कोई ताकतवर चीज खाया करो। तो मेरा दिल आज थोड़ा सा सीमेंट ही खा कर चेक कर लो। अरे पद्दू बेटा, तू पागल तो नहीं हो गया? सीमेंट कौन खाता है? अरे पापा वो देखो, जैसन टैंकर पर बैठ कर आ रहा है। अरे कद्दू पद्दू, अब चुप करके बैठना, कोई आवाज नहीं निकाले। अरे जैसन बॉस वो देखो, कद्दू पद्दू का घर, जल्दी करो इस घर को उड़ा दो। अरे नहीं मंटू, पहले अंदर जाकर देखो कद्दू पद्दू घर के अंदर है या नहीं है। ओके बॉस, मैं अभी चेक करता हूँ। अरे कद्दू बेटा जल्दी करो, जाओ बाहर से दरवाजा बंद कर दो, जल्दी करो। अरे 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 बाहर से दरवाजा खोलो, कौन है बाहर दरवाजा खोलो बाहर से। अरे जैसन आप भूल जाओ, अब हम कभी भी दरवाजा नहीं खोलेंगे बाहर से। अरे अरे कद्दू बाहर से दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ बाहर से दरवाजा खोल, वरना मैं बाहर आकर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे कद्दू भाई जल्दी करो, पुलिस वालों को कॉल करो। हाँ हाँ पद्दू भाई, मैं अभी कॉल करता हूँ पुलिस वालों को। वैसे तुमने जिंदगी में पहली दफा अपने खोपड़े का सही इस्तेमाल किया है। हेलो 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 हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर जी। बेटा बताओ क्यों कॉल किया मुझे आज? अरे इंस्पेक्टर जी जल्दी करो, हमारे घर आ जाओ। क्यों बेटा, आपके घर कोई चावलों की देग पक रही है? अरे नहीं इंस्पेक्टर जी, जल्दी करो हमारे घर आ जाओ, मैंने अभी जैसन और इसके दोस्त को अपने कमरे के अंदर बंद कर दिया है। जल्दी करो हमारे घर पहुँचो, वरना ऐसा ना हो वो बाहर निकल आए और हम सबको जान से मार दें। अच्छा कद्दू बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ।
बाहर से, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के साथ। अरे जैसन अंकल बस थोड़ी देर इंतजार करो फिर हम खोलते हैं दरवाजा। अरे जैसन अंकल ये देखो, ये कद्दू पद्दू ने कितना ज्यादा फल इस फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं बकरे जे। अरे कद्दू बेटा तुम ऐसा करो दरवाजा खोलो, मैं यहाँ टैंकर पर बैठकर टैंकर से गोला फेंकूंगा जैसन पर, फिर वो मर जाएगा। गुड आइडिया इंस्पेक्टर जी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। अरे पापा ट्रक और तेज चलाओ ना, बहुत मजा आ रहा है बहुत। अरे पद्दू बेटा ऊपर ध्यान से बैठना, ऐसा ना हो नीचे गिर जाओ। अरे पापा आज हम ये लकड़ियाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे पद्दू बेटा इनको शहर ले जाकर बेचने। अरे पापा ठीक है लेकिन ये तो हमारा घर आ गया है। अरे पद्दू बेटा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर जाते हैं शहर। अरे कद्दू पद्दू के पापा आज आप इतनी ज्यादा लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आ गए हैं? अरे मामा आज मैं ये इन लकड़ियों के ऊपर बैठ कर आया हूँ। अच्छा मेरे बेटा, अच्छा चलो आज अंदर पानी पी लो फिर चले जाना शहर। ओह नो। No. अरे कद्दू भाई तू हर वक्त सोया ही रहता है घोड़े बेचकर, बाहर देखो हम क्या लेकर आए हैं। अरे वाह इतनी ज्यादा लकड़ियाँ। अरे कद्दू भाई मैं इन लकड़ियों के ऊपर बैठ कर आया हूँ। अरे पद्दू भाई तू पागल तो नहीं हो गया, अगर नीचे गिर जाता तो तेरी पेंपर में टट्टी निकल जाती। अरे पहले कौन सी बाहर निकलती थी। अरे कद्दू बेटा हम शहर जा रहे हैं ये लकड़ियाँ बेचने, तुम घर का ध्यान रखना। अरे नहीं पापा ये घर कहीं नहीं जाएगा, मैं शहर जाऊंगा ये लकड़ियाँ बेचने। अरे कद्दू बेटा तू पागल तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हैं तुमसे नहीं संभाली जाएंगी, ये ट्रक उलट जाएगा। अरे पापा कैसी बातें करते हो, मैंने बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज और ट्रेनें चलाई हैं, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। अच्छा ठीक है कद्दू बेटा चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना ये पूरे 5 लाख की लकड़ियाँ और तूने पूरे 5 लाख की सेल करनी है। अरे पापा आप टेंशन ना लें, मैं 5 लाख की बजाय 6 लाख की सेल करूँगा। अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो जाओ अब। ठीक है पापा हम अब जा रहे हैं, मिलते हैं अब शाम को ही।
अरे कद्दू भाई, तुम ये लकड़ियाँ 6 लाख की कैसे सेल करोगे? अरे पद्दू भाई, तुम टेंशन ना लो, मैं एक बहुत बड़ा फनकार हूँ। फनकार देखना मैं कैसे 5 लाख की बजाय 6 लाख की सेल करता हूँ। अच्छा ठीक है कद्दू भाई, लेकिन लकड़ियाँ सेल करके मुझे चिकन कढ़ाई जरूर खिलाना। हाँ, खाने पीने की बीमारी खिला दूंगा। अरे कद्दू भाई, अरे कद्दू भाई, आगे देखो, आगे एक बहुत बड़ी चढ़ाई है। इस चढ़ाई पर ध्यान से चलाना ट्रक, वरना ट्रक उलट जाएगा। हाँ पद्दू भाई, तुम टेंशन ना लो, मैंने बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज और ट्रेनें चलाई हैं। अब देखना मैं इस चढ़ाई के ऊपर कैसे चढ़ता हूँ। अरे 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 आई, हो गई लकड़ियां सेल। अरे पद्दू और पापा, जल्दी करो, उठो। अरे क्या हो गया कद्दू बेटा, आज हमें इतना जल्दी क्यों उठा दिया सुबह सुबह? अरे पापा वो देखो, 8 बॉल पूल। आज मैं 8 बॉल पूल गेम लाया हूँ, चलो जल्दी करें, खेलते हैं, बहुत मजेदार गेम है। अरे वाह, 8 बॉल पूल। हाँ पापा और पद्दू, जल्दी करो, आ जाओ, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत। अरे भाई, पहले हमें खेलने का तरीका तो बताओ ना, ये कैसे खेलते हैं? अरे भाई और पापा, आप मेरी बात कान खोल कर सुनना। हाँ भाई, तुम अपनी बकवास करो, मैंने काली पेट्रोल से अपने कान साफ किए थे। अरे पापा, ये 5 सबज गोटियाँ आपकी हैं, और पद्दू भाई तेरी ये 5 नीली गोटियाँ हैं, और ये 5 सुरख गोटियाँ मेरी हैं। हाँ भाई, मुझे समझ आ गई है, ये 5 सबज गोटियाँ पापा की हैं, ये 5 नीली गोटियाँ मेरी हैं, और ये 5 सुरख गोटियाँ तेरे बकरोटे की हैं। अच्छा भाई, अब आगे बताओ ना, इन गोटियों का कैसे अचार डालना है? अच्छा भाई, अब हर बंदा इस सफेद गोटी की मदद से अपनी 5 गोटियों को इन सुराखों में डालेगा, और जो बंदा अपनी 5 गोटियों को इन सुराखों में सबसे पहले डालेगा वो जीत जाएगा। अरे भाई, ये तो बहुत ही मजेदार गेम होने वाली है, तो चल इंतजार किस बात का, स्टार्ट करते हैं। अरे पद्दू भाई, थोड़ा सा छुरी के नीचे सांस ले लो, पहले इनाम का तो सुन लो कि जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा। हाँ कद्दू भाई, जल्दी करो, बताओ जीतने वाले को कौन सा इनाम मिलेगा? अरे पद्दू और पापा, जो सबसे पहले जीतेगा वो ये पिज्जा खाएगा अकेले अकेले, और जो हार जाएगा, जो सबसे आखिर में रह जाएगा, उसको ये मोटा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इंजेक्शन। अरे क्या इंजेक्शन? अरे इंजेक्शन, ये तो बहुत ही लंबा और मोटा इंजेक्शन है। हाँ भाई, जो हारेगा उसको सजा तो मिलनी है। चलो आप स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कौन पिज्जा खाएगा और कौन इंजेक्शन लगवाएगा। हाँ भाई, चलो 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 चलो। Thank you.
अरे शेठ भाई, मेरी तो पहली गोटी नहीं गई। अच्छा अब पद्दू भाई, अब तेरी बारी है। तेरी ये नीली गोटियाँ हैं, तूने ये सुराखों के अंदर डालनी है। हाँ भाई, अब देखना मैं एक ही झटके में इन सारी गोटियों को इन सुराखों में डाल दूंगा। चलो देखते हैं। अरे कद्दू और पापा जल्दी करो, साइड पर हो जाओ। मैंने एक ही झटके में ये सारी गोटियाँ अंदर डालनी है और पिज्जा खाना है। यम यम करके, यम यम। अरे पापा, इसकी तो गोटी टच भी नहीं हुई किसी गोटी से। अरे पापा चलो, अब आपकी बारी है। आपकी ये सबज गोटियाँ, इनको इन सुराखों में डालना है। अरे वाह पापा, आपकी तो एक गोटी अंदर चली गई है। चले अब आप दोबारा मारें। अरे वाह पापा, आपकी तो दो गोटियां इन सुराखों में चली गई हैं। लगता है आज पिज्जा आपके पेट में जाएगा। चले अब आप दोबारा हिट मारें। चलें पापा, अब आपकी बारी खत्म हो गई है। अब दोबारा से मेरी बारी रिपीट होने जा रही है। अरे शिट यार, आज यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी एक गोटी भी अंदर नहीं जा रही। शिट यार। अरे भाई, तू लोमड़ी का लेग पीस खाया कर, तेरी सारी गोटियां अंदर चली जाएंगी। हाँ तेरी तरह, एक भी टच नहीं हुई। चलो अब तू मार, तेरी अब बारी है। मैं देखता हूँ तू कौन से रंग लगाता है। ये लो कद्दू के बच्चे, मेरी पहली गोटी अंदर चली गई है। अब देखना बाकी भी कुत्ते की तरह अंदर जाएंगी। अरे पापा चले, अब आपकी बारी है। पद्दू की तो सिर्फ एक ही गाटी अंदर गई है। चले अब आप ट्राई करें। हाँ बेटा, अब देखना ये सारी गोटियाँ कैसे अंदर जाती हैं। ये मैं जीत गया। अरे 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 पद्दू भाई, तू कहाँ भागे जा रहा है? रुक जा चुचंद्रा, रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? रुक जा। अरे कद्दू बेटा, तू जल्दी कर इसे पकड़, मैं घर से इंजेक्शन लेकर आता हूँ। कहाँ तक भाग के जाएगा पद्दू भाई? अब तो इंजेक्शन तुझे लगेगा, लग के ही रहेगा तुझे इंजेक्शन। पापा ये आपने क्या कर दिया? आई बहुत जोर से ठोका आपने। आई अरे चुप कर मेरा बेटा, चुप कर। अरे मामा, इसे आज क्या हो गया? ये क्यों रो रहा है बिल्ला? अरे कद्दू पद्दू, ये तेरा छोटा भाई इसलिए रो रहा है क्योंकि इसे पिछले दो दिन से पीने के लिए कोई दूध ही नहीं मिला। बाहर जाओ, बाहर जाकर मार्केट से इसके लिए 5 डब्बे दूध के लेकर आओ। हाँ मम्मी, हम अभी इसके लिए दूध लेकर आते हैं। अरे चुप कर मेरा छोटा भाई, चुप कर। हम अभी जाते हैं बाहर मार्केट और मार्केट से तेरे लिए खालिस दूध लेकर आते हैं। चुप हो
जा मेरा छोटा बेटा, चुप हो जा, अल्लाह अल्लाह चुप हो जा, अल्लाह अल्लाह। अभी कद्दू बद्दू गए हैं तेरे लिए बाहर मार्केट से खालिस दूध लेने। चुप हो जा मेरे बेटा, चुप हो जा, अल्लाह अल्लाह। नो। आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कद्दू पद्दू, ये तो इतने ज्यादा चूहे कहाँ से लेकर आ गया? तुझे मार्केट में दूध लेने के लिए भेजा था और ये चूहे कहाँ से लेकर आ गया? अरे पापा, ये सारे मेरे दोस्त हैं। मैं अभी बाहर मार्केट जा रहा था दूध लेने के लिए कि वहाँ पर मुझे एक बूढ़े अंकल मिले थे और वो बोल रहे थे कि बेटा ये चूहे घर लेकर जाओ, ये अंडे और दूध देंगे, इनके अंडे और दूध बेच कर तुम करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति। अरे कद्दू बेटा, तू पागल तो नहीं हो गया? कभी चूहों ने भी अंडे और दूध दिए? अरे कद्दू बेटा, ये ले देख की, तेरा छोटा भाई काफी रो रहा है, जल्दी कर, इन चूहों से आधा किलो दूध निकाल कर दे मुझे। हैं? अरे जब तुम सब लोग पैदा हुए थे तो तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काट लिया था? हैं? अरे कद्दू बेटा, तू अपने बाप की ना सुन, मैं भी नहीं सुनती, जल्दी कर, इन चूहों को बोल कि अपने छोटे भाई के लिए आधा किलो दूध दे दे। और हाँ, इन चूहों को बोलना एक आध अंडा भी दे दे, तेरा छोटा भाई आमलेट बहुत शौक से खाता है। अरे ओ चूहों के बच्चों, जल्दी करो, मेरे छोटे भाई के लिए 5 किलो दूध और 10 अंडे निकालो, नहीं तो मैं तुम सब लोगों को गोली मार दूंगा, गोली गोली गोली। अरे भाई, ये तो बिल्कुल बहरे हो गए हैं, ये तो हमारी बात बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। अरे ओ चूहे के बच्चों, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जब से इस घर में आए हो फुदुक फुदुक कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। अरे भाई, ये ऐसे नहीं सुनेंगे, जल्दी करो अंदर से पिस्तौल लेकर आओ, ये पिस्तौल की जबान ही समझेंगे। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहे है, मैं अभी अंदर से पिस्तौल लेकर आता हूँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे साले। अरे ओ चूहों के बच्चों, जल्दी करो, कद्दू अभी अंदर गया, वो अगर बाहर आ गया तो तुम सबको जान से मार देगा, जल्दी करो, अगर ज्यादा नहीं तो एक आधा अंडा अभी मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें ये डेरी मिल्क चॉकलेट्स खिलाऊंगा। नो। अरे ओ चूहों के बच्चों, मेरे साथ कोई होशियारी ना करना, जल्दी करो, अभी एक अंडा मुझे अभी दो, वरना गोली मार दूंगा, गोली। अरे काजल, मुझे लगता है आज तो ये पागल कद्दू पद्दू इसे दूध नहीं पिलाएंगे, तुम ऐसा करो इसे कहवाई बनाकर पिला दो। अरे महाराज, घर में कहवा बनाने के लिए चीनी पत्ती तो मौजूद है लेकिन पेट्रोल नहीं है। अरे मुझे लगता है तू भी पागल हो गई है, अरे पेट्रोल से कौन कहवा बनाता है, कहवा तो पानी से बनता है। मैं बनाती हूँ। अरे भाई, वो देखो, वो चूहा ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है वो ऊपर जाकर दूध देगा। अरे नहीं भाई, वो ऊपर अंडा देने के लिए जा रहा है, वो ऊपर जाकर अंडा देगा अंडा। अरे नहीं भाई, वो ऊपर जाकर दूध देगा दूध। नहीं, अंडा देगा। नहीं, दूध देगा। अरे कद्दू पद्दू, ये तुम लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, जल्दी करो इन सब चूहों को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको, ये हमारा घर गंदा कर देंगे। अरे नहीं पापा, ये बहुत ही अच्छे चूहे हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं, दोस्त फ्रेंड्स।
अरे कद्दू बेटा, अगर इसके बाद तूने कोई बकवास की ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे नहीं पापा, इनको मैं बाहर नहीं फेंकूंगा। अरे कद्दू बेटा, बाहर फेंक बाहर। अरे नहीं पापा, मैं बाहर नहीं फेंकूंगा, जो करना है कर लो। अच्छा तो मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रोक अभी तेरे मैं इलाज करता हूँ। अरे कद्दू भाई, अरे कद्दू भाई जल्दी कर, इनको बाहर निकाल कर फेंक, वरना पापा अंदर से बंदूक लेकर आएंगे और तेरा खोपड़ा उड़ा देंगे, खोपड़ा। अरे शंटू, बाहर खिड़की खोल कर देखो, बाहर मौसम कैसा है। अरे कद्दू भाई, बाहर मौसम तो बहुत ही जबरदस्त है। अरे मम्मी, हम बाहर खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है कद्दू बेटा, चले जाओ, लेकिन शाम को जल्दी घर वापस आना। ओके मामा, चलो शंटू जाते हैं ग्राउंड में, फुटबॉल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। अरे जैसन, वो देखो, दो छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जल्दी करो उनको गोली मार कर बेहोश कर दो। अरे जैसन, दूसरा लड़का तो भाग गया है, चलो हम इसी को पकड़ कर जंगल ले जाते हैं और वहाँ पर इसका गोश्त पका कर खाएंगे। मम्मी, अरे कद्दू बेटा, अरे कद्दू बेटा क्या हो गया, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे मम्मी, अरे मम्मी, वो शंटू, वो शंटू, शंटू। अरे कद्दू बेटा क्या हो गया मेरे शंटू बेटे को, क्या हुआ शंटू को? अरे मम्मी वो शंटू। अरे कद्दू बेटा कुछ बताओ ना, कहाँ है शंटू, कहाँ है शंटू, कहाँ है, मुझे बताओ ना, कुछ तो बताओ ना मुझे। अरे मम्मी, वो जैसन ने शंटू को गोली मार दी है और इसे बेहोश करके जंगल लेकर जा रहे हैं। अरे क्या, जैसन ने शंटू को गोली मार दी है? मेरा शंटू बेटा। अरे कद्दू बेटा, तू जल्दी कर गाड़ी निकाल, हमें जल्दी से जल्दी जंगल जाना होगा। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जल्दी से जंगल जाकर शंटू को ढूंढना होगा, वरना जैसन उसे जिंदा खा जाएगा। हाँ बेटा, जल्दी कर गाड़ी निकाल।
कद्दू बेटा, ये जैसन चिंटू को कौन से जंगल लेकर गया है? अरे मम्मी, मुझे क्या पता, मुझे कौन सा उसने मैसेज करके बताया है। अच्छा कद्दू बेटा, जल्दी कर, इस गाड़ी को नांगा पर्वत जंगल की तरफ लेकर जा। हमारे इलाके में सिर्फ वही जंगल है। मुझे शक है कि जैसन उसको वही उसी जंगल में लेकर गया होगा। जल्दी कर। जी पापा, आपका शक बिल्कुल सही है। मैं उधर ही ले जाता हूँ गाड़ी को। अरे अरे, ये मेरे सर में चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे 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 अरे, आई अरे काजल और पदु बेटा, जल्दी करो, घर आओ। कद्दू बेहोश हो गया है, जल्दी करो, घर आओ। नो 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 नो। अरे कद्दू बेटा, तुझे क्या हुआ? उठो। अरे कद्दू बेटा, तुझे क्या हुआ? कद्दू, अरे कद्दू बेटा, तुझे क्या हो गया? तू क्यों बेहोश हो गया? उठो कद्दू बेटा, उठो। अरे मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैंने एक जादू सीखा हुआ है। मैं अभी इसको होश में लाता हूँ। हाँ कद्दू बेटा, जल्दी कर बेटा, इसको होश में ला। Yam 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 yam। अरे पद्दू बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तूने कद्दू को कुत्ता क्यों बना दिया? अरे पापा, ये पहले भी किसी कुत्ते से काम नहीं था। Yam 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 yam। अरे शिट पद्दू बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे सब लोग इसके लिए तालियां बजाओ, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, तालियां बजाओ। अरे सॉरी पापा, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से जादू उल्टा हो गया। अच्छा मैं अभी इसको दोबारा वापस होश में लाता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी करो, दोबारा जादू करो अब। यम 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 डैम 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 ये ले। अरे पद्दू बेटा, ये तूने क्या कर दिया है? तूने इसे आप बिल्ली क्यों बना दिया है? अरे पापा, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा जादू उल्टा क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? अरे पद्दू बेटा, जल्दी कर, दोबारा जादू कर और इसको अपनी असली हालत में वापस ला, जल्दी कर। ठीक है पापा, अब देखना मैं कैसे जादू करता हूँ अब। यम 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 डैम 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 ये ले। अरे पद्दू बेटा, ये तूने अब इसे चूहा क्यों बना दिया? अरे पापा, ये चूहा ढुआ कैसे बन गया? अरे पद्दू बेटा, रुक जा, कहाँ जा रहे है? पद्दू बेटा रुक जा, कहाँ जा रहे है? मुर्गों की तरह रुक जा। अरे पापा, मैं नया जादू लेने जा रहा हूँ, ये पुराना हो गया है जादू, इसलिए काम नहीं कर रहा, मैं नया जादू लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी आना। अरे कद्दू के पापा, ये हमारा बेटा कद्दू अब कैसे होश में आएगा? अरे शांत रहो मेरी पत्नी, हमारा इंजीनियर बेटा गया जो है नया जादू लेने। अरे पापा दरवाजा खोलो, मैं नया जादू लेकर आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। अच्छा पद्दू बेटा, जल्दी कर, अपने इस भाई कद्दू को दोबारा इस दुनिया में वापस ले आ, जल्दी कर। हाँ पापा, मैं अभी इसको वापस दुनिया में लेके आता हूँ। यम 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 डैम 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 ये ले। अरे पद्दू बेटा, ये तूने अब क्या कर दिया? तूने इसे बकरी क्यों बना दिया? अरे पापा, ये बकरी फायदे में रहेगी, ये अंडे भी देगी और दूध भी देगी। कद्दू वैसे भी कौन से अंडे देता था? हे हे हे।
अरे मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे कद्दू बेटा तुझे आज क्या हो गया सुबह सुबह? अरे मम्मी पता नहीं अचानक अभी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे कद्दू बेटा तुम परेशान ना हो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो 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 डॉक्टर राम। जी बाजी मैं हूँ डॉक्टर राम, कर देता हूँ सबका काम तमाम, बोलो क्या हुक्म है? अरे हाडा राम डॉक्टर, ओ सॉरी मेरा मतलब है राम जी डॉक्टर, जल्दी करो हमारे घर आ जाओ। क्यों बाजी क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब जल्दी करो हमारे घर में आ जाओ, मेरे बेटे कद्दू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाओ। अरे क्या कद्दू के पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा बाजी जी बस मैं 2 मिनट में आया। अरे 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 बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, ये जैसन हमें मार देगा। अरे पद्दू और चिंटू जल्दी करो और तेज भागो, ये जैसन हमारे बहुत ही करीब आ रहा है, ये हमें मार देगा। अरे कद्दू भाई वो देखो प्लाजा, इस प्लाजे के ऊपर चढ़ जाते हैं। शुक्र है भाई आज हम बड़ी मुश्किल से बच गए। अरे भाई हम बच्चे नहीं है, वो देखो वो तेरा दादा ऊपर आ रहा है। अरे भाई अब हम क्या करें, ये जैसन तो ऊपर आ रहा है हमें मारने के लिए। अरे भाई वो देखो वो हेलीकॉप्टर, हम इस हेलीकॉप्टर पर बैठ कर उड़ जाते हैं। अरे हाँ भाई जल्दी करो पद्दू और चिंटू जल्दी करो, इसमें बैठो हम उड़ जाते हैं इसको चलाकर।
नो, ओ अरे कद्दू पद्दू मुझे तो साथ लेकर जाओ। ओ अरे भाई वो चिंटू को भी साथ लेकर आना था ना, वो तो वही का वही रह गया। अरे क्या चिंटू हमारे साथ नहीं आया? ओ अरे प्लीज जैसन भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बकरी के अंडे खिलाऊंगा। अरे जैसन प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बिल्ली का दूध पिलाऊंगा, छोड़ दो। अरे पद्दू भाई हमें चिंटू को साथ लेकर आना था, वो जालम दरिंदा जैसन उसे मार देगा, चलो वापस उसको साथ लेकर आते हैं। हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो वापस उसको साथ लेकर आते हैं। अरे भाई ये क्या, ये जैसन तो हेलीकॉप्टर पर बैठकर हमें मारने के लिए आ रहा है। अरे भागो 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 भागो। अरे भाई जल्दी करो, इस फ्रीजर को इस दरवाजे के आगे रख दो वरना वो जैसन अंदर दाखिल हो जाएगा। हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जल्दी करो जोर लगाओ। या, या, अरे भाई शुक्र है ये फ्रीजर इस दरवाजे के आगे आ गया, अब जैसन कभी भी इस कमरे में नहीं दाखिल हो सकता। उल्लू का पट्टा। अरे भाई ये क्या, मुझे लगता है जैसन आ गया। अरे भाई अब क्या करें, मेरी तो पैंपर में टट्टी निकल रही है। अरे चुप कर ना लैक, अगर टट्टी कर दी है तो अंदर वॉशरूम में कर, यहाँ पर ना शोर मचा, चुप कर। अरे भाई जल्दी कर पुलिस वालों को कॉल कर, अब भाई हमें जैसन से बचा सकता है, जल्दी कर पुलिस वालों को कॉल कर। हेलो 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 पुलिस वाले भाई। जी बेटा बताओ क्या मसला हो गया आज? अरे पुलिस वाले भाई हमारे घर जैसन आ गया है, जल्दी करो हमारे घर आ जाओ और हमें बचा लो वरना वो हमें जान से मार देगा। अरे क्या जैसन, अरे नहीं बेटा वो बहुत ही जालिम दरिंदा है, वो हमें भी नहीं बख्शेगा। अरे प्लीज पुलिस वाले भाई आ जाओ हमारे घर, मैं तुम्हें लूमड़ी का एक लेग पीस खिलाऊंगा। अरे क्या लूमड़ी का एक लेग पीस? अच्छा बेटा तुम सब्र रखो, मैं अभी आता हूँ अपने दोस्तों को लेकर, अभी हम आ रहे हैं। अरे जैसन पुलिस ने तुम एक तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे गोलियों से। अरे भाई मुझे लगता है पुलिस वाले आ गए हैं, चलो छत पर जाते हैं और छत पर जैसन की मौत देखते हैं, कैसे मरता है जैसन। हाँ भाई चलो चलो चलो। Thank you.
भाई, अरे भाई ये क्या, ये जैसन तो बहुत ही जालिम दरिंदा है, इसने तो पुलिस वालों को मार दिया है, अब हम क्या करें। अरे भाई मेरे जहन में एक आइडिया है, ये जो सिलेंडर पड़े हैं इन सिलेंडर को जैसन के ऊपर गिरा देते हैं। अरे पद्दू भाई जल्दी कर, उठ। क्यों भाई क्या हो गया है? अरे भाई आज संडे है, चलो आज एक बहुत ही मजेदार गेम खेलते हैं। कौन सी गेम कद्दू भाई? अरे पद्दू भाई बाहर आ जाओ, पापा तुम्हें समझाते हैं हम दोनों को, जल्दी करो बाहर आ जाओ। अच्छा भाई। अरे पापा आज कौन सी गेम खेलनी है? अरे कद्दू पद्दू बेटा ये देखो, यहाँ पे 10-10 गुब्बारे लटके हुए हैं, तुमने बारी बारी इन 10 गुब्बारों को फाड़ना है। जी पापा हमें समझ आ गई है, लेकिन इन गुब्बारों को किस चीज से फाड़ना है? अरे बेटा इन तीरों से फाड़ना है, इन तीरों से। जी पापा हमें समझ आ गई है, मतलब इन तीरों से इन 10-10 गुब्बारों को मैं और पद्दू भाई ने फाड़ना है, और जो सबसे पहले फाड़ेगा वो जीत जाएगा। जी बेटा बिल्कुल सही समझे हो। अच्छा पापा, जो मैं जीत जाएगा उसको क्या इनाम मिलेगा, और जो हारेगा उसको क्या सजा मिलेगी? अरे कद्दू पद्दू बेटा जो जीत जाएगा वो ये मजेदार पिज्जा और बोतलें पिएगा। और पापा जो हारेगा उसको? अरे बेटा जो हारेगा उसको ये बहुत ही मोटा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इंजेक्शन। अरे क्या, इंजेक्शन? हाँ बेटा इंजेक्शन। अरे ये तो बहुत ही मोटा इंजेक्शन है, अरे आज तो मुझे गेम जीतने के लिए गुर्दों और फेफड़ों तक जोर लगाना पड़ेगा। चलो कद्दू पद्दू बेटा गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ पापा, लेकिन पहले कौन गुब्बारे फाड़ेगा? हाँ कद्दू बेटा इधर आ जाओ, टास्क कराते हैं, जो टास्क हारेगा वो सबसे पहले गुब्बारे फाड़ेगा। ठीक है पापा। अरे कद्दू बेटा ये देखो बंटा, अब बताना ये बंटा मेरे किस हाथ में होगा? अरे पापा ये बंटा इस हाथ में होगा। अरे नहीं कद्दू बेटा ये इस हाथ में बंटा है, अब तुम टॉस हार गए हो, अब पहले तुम ही गुब्बारे फाड़ोगे। कद्दू तेरा तो पहला तीर ही मिस हो गया है, चलो आप दूसरा तीर चलाओ। अरे शाबाश कद्दू बेटा शाबाश, तुमने दूसरे तीर से एक गुब्बारा फाड़ दिया है, अब तीसरा तीर चलाओ। अरे शाबाश कद्दू बेटा शाबाश, तुमने 3 तीरों से 2 गुब्बारे फाड़ दिए हैं, अब चौथा तीर चलाओ। अरे कद्दू के बच्चे, तुमने तीरों से गुब्बारा फाड़ना था, मेरा बिछवाड़ा नहीं। अरे पापा वो देखो चूहा जा रहा है, चूहा डुआ। अरे कद्दू बेटा आज इस घर में जितने भी चूहे हैं उन सबको मैं जान से मार दूंगा। लेकिन पापा वो कैसे? अरे कद्दू बेटा मैं अभी बाजार जाता हूँ और वहाँ से चूहे पकड़ने वाली मशीन ले आता हूँ। ठीक है पापा, आप जल्दी करें, बाजार से चूहे पकड़ने वाली मशीन ले आए।
अरे पदू भाई जल्दी करो उठो। अरे कद्दू भाई तुझे क्या आज मौत पड़ गई है? तूने मुझे आज सुबह सुबह क्यों उठा दिया है? अरे पद्दू भाई आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पापा बाजार गए हैं चूहे पकड़ने वाली मशीन लेने के लिए। क्या कद्दू भाई आज हम चूहे पकड़ेंगे? जी भाई आज हम चूहे पकड़ेंगे। अरे कद्दू कद्दू बेटा ये देखो आज मैं बहुत ज्यादा चूहे पकड़ने वाली मशीनें लेकर आया हूँ। अरे पापा इनमें से एक मशीन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर चूहा रोज आता है टमाटर खाने के लिए। ठीक है बेटा, वो जैसे चूहा टमाटर खाने के लिए इसमें आएगा तो वो इसमें फंस जाएगा और मर जाएगा। अरे कद्दू भाई वो देखो चूहा आ गया है टमाटर खाने के लिए। अरे नलायक चुप कर चुप कर चुप चुप वरना चूहा सुन लेगा। अरे भाई वो देखो चूहा फंस गया। अरे मम्मी आज खाने में क्या पका हुआ है? मेरा सर पका हुआ है। अरे मम्मी ये तो हम रोज खाते हैं, कोई नई चीज पकाया करो ना। अरे मम्मी जल्दी करो मेरे लिए एक प्लेट चिकन कढ़ाई लेकर आओ और उसमें दो लेग पीस डालना, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अरे कहाँ से लाऊं मैं चिकन कढ़ाई, घर में रोटी खरीदने के लिए एक रुपया नहीं है और तुम नवाबों को चिकन कढ़ाई की पड़ी है। अच्छा अच्छा अब रोने का नाटक बंद करो, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, वहाँ से एक किलो चिकन कढ़ाई ले आती हूँ। अरे बहन जी बाहर मत जाओ, हमारे इलाके में एक बहुत ही बड़ा राक्षस आया हुआ है, वो तुम्हें कच्चा खा जाएगा बाहर मिसाले लगाए। अरे क्या राक्षस? अरे क्या राक्षस? अरे कद्दू बेटा वो देखो राक्षस आ रहा है, जल्दी करो अंदर से बंदूक लेकर आओ और इसको जल्दी करो खत्म कर दो यहाँ पर। हाँ मम्मी आप टेंशन ना लें, मैं अभी अंदर से दादा की खटारा बंदूक लेकर आता हूँ। अरे मम्मी ये तो मर ही नहीं रहा, ये तो साला बहुत ही ताकतवर है, अब हम क्या करें? अरे कद्दू भाई ये इस पिस्तौल से नहीं मरेगा, अब देखना मैं इसको कैसे खत्म करता हूँ। अरे कद्दू पद्दू बेटा बात सुनो मेरी,
जी पापा बताओ। अच्छा कदुपदु बेटा, तुम दोनों ऐसा करो ना, मंटू के भट्टे पर जाओ, वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े ट्रक में बहुत सारे पत्थर लोड कर दिए हैं, वो लेकर आओ जल्दी। अरे क्या पापा 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 पत्थर? लेकिन पापा आपने पत्थरों का क्या करना है? तेरी खोपड़ी में मारने हैं। अरे आगे से सवाल जवाब ना किया कर, जो कहा है वो कर, जल्दी कर। अच्छा पापा सॉरी। अरे कद्दू पद्दू ये देखो, ये तेरा छोटा भाई रो रहा है, जल्दी करो इसको भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं मामा, ये छोटा बिल्ला बहुत ही शैतान है, ये ट्रक में टट्टी कर देता है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ पत्थर ले आओ, फिर हम बाहर पत्थरों की नई दीवार बनाएंगे। ओके मामा, चल पद्दू पत्थर ले आते हैं ट्रक में। अरे पापा हमने पैदल ही जाना है या? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ, हेलीकॉप्टर। अरे पैदल ही जाओ ना, ये साथ ही भट्टा है। अरे मेरा छोटा बेटा चुप कर, अल्लाह चुप कर। अच्छा बेटा मैं शाम को तुझे हेलीकॉप्टर की सैर करवाऊंगी, चुप हो जा। अरे पद्दू भाई चलो, आप थोड़ा सा तेज दौड़ते हैं, फिर हमने ट्रक चलाना है, बहुत मजा आएगा, चलो तेज दौड़ो। हाँ भाई चलो तेज दौड़ते हैं, चलो चलो चलो। अरे काजल ऐसा करो, दुकान पर जाओ और दुकान से दो पैनाडोल की गोलियां ले आओ, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। ए, आपके सर में दर्द हो रहा है? लेकिन महाराज आपके सर में कैसे दर्द हो सकता है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे महाराज आपके सर में कैसे दर्द हो सकता है, आपका सर तो अंदर से बिल्कुल खाली है। अरे छुचंद्रो कहाँ जा रहे हो, पैसे तो देते जाओ इन पत्थरों के। ओ सॉरी भाईजान, दरअसल हम भूल गए थे। अच्छा बताएं कितने पैसे हो गए इन पत्थरों के? पूरे 2 लाख हो गए इन पत्थरों के बच्चों, पूरे 2 लाख। अच्छा भाई साहब ये लो 2 लाख रुपए। अच्छा बच्चों आप ध्यान से घर जाना, मैंने सुना है इस इलाके में बहुत ही खतरनाक दरिंदा जैसन घूम रहे है, उससे मोहतात रहना। अरे भाई साहब हम जैसन वैसन से नहीं डरते, चलो ठीक है अब हम जाते हैं। अरे वो देखो जैसन। अरे अरे कहाँ है जैसन, कहाँ है जैसन? अरे भाई साहब आप भी ना, चलो ठीक है अब हम जाते हैं। अच्छा कद्दू भाई अब आराम से ट्रक चलाना, पत्थर बहुत ज्यादा भारी है, ऐसा ना हो ट्रक उलट जाए। अरे पद्दू भाई तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे आज मैं पहली दफा ट्रक चलाने लगा हूँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं दूध पीता कोई बच्चा हूँ जिसे ट्रक चलाने का पता ही नहीं है, तू चिंता ना कर। अरे ये खतरनाक कील मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अभी कद्दू पद्दू का ट्रक यहाँ से गुजरेगा तो वो पंचर हो जाएगा, फिर वो जैसे ही पंचर होगा और वो नीचे उतरेंगे तो मैं उन पे हमला करके उनको जान से मार दूंगा। अरे कद्दू भाई वो पत्थरों वाला माले कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अरे पद्दू भाई वो जैसन के बारे में कुछ बोल रहा था। लेकिन कद्दू भाई वो क्या बोल रहा था मुझे बताओ ना, मैं भूल गया हूँ। अरे पद्दू भाई कल तुमने 5 किलो अखरोट और बादाम नहीं खाए थे, फिर तुम्हारी अभी तक याददाश्त क्यों नहीं ठीक हुई? हाँ भाई मैं कल बाजार से 5 किलो अखरोट और बादाम लेकर आया था खाने के लिए ताकि मेरी याददाश्त ठीक हो। लेकिन अभी मुझे यही याद नहीं आ रहा कि वो मैंने कहाँ रखे थे।
अच्छा पद्दू भाई, वो पत्रों का मालिक ये बोल रहा था कि आजकल हमारे इलाके में जैसन घूम रहे, उसे बच कर रहना, नहीं तो वो हमें जान से मार देगा। अले भाई मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं अगर हमें रास्ते में मिल गया तो हम क्या करेंगे। अरे भाई तुम टेंशन ना लो, मैं जैसन को मार मार कर उसकी पेंपर में टट्टी निकाल दूंगा। अरे कद्दू पदो, तुम थोड़ा सा और आगे तो आओ, टट्टी तो मैं तुम्हारी निकालूंगा। अरे भाई इस ट्रक का टायर ही पंचर हो गया है, किसी ने रोड पर कील रखे हुए थे। अरे क्या, इस ट्रक का टायर ही पंचर हो गया है? अरे भाई मुझे लगता है ये जैसन की चाल होगी। अरे भाई वो देखो जैसन आ रहा है, जैसन। अरे क्या जैसन जैसन